हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मोहम्मद सिंगाजी। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ अपने एक नए व्लॉग में। और आज मैं और हर्ष जा रहे हैं जिम। बहुत दिनों के बाद लॉकडाउन के बाद जिम खुल चुकी है और बॉडी पूरी डाउन हो चुकी है, मसल्स पूरी लूज़ हो चुकी हैं। पता नहीं फॉर्म में रिवर्स आने में कितना टाइम लगेगा, वो तो पता ही जिम जाके ही पता चलेगा कितनी स्ट्रेंथ बची है बॉडी में। और रिटायरमेंट में पानी जैसा मौसम हो तो रहा है, लेकिन पानी में ज़रा बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, जिसके कारण गर्मी बहुत लग रही है। अभी मैं पहुंच गया हूँ रेलवे कॉलोनी बारह बंगले से होते हुए चलते हैं पुरानी कार से जिम। हाईवे से टच होंगे मेनली। अभी हूँ रेलवे स्टेशन के पीछे, स्टेशन से चलते हैं। ये रेलवे स्टेशन का बैक साइड का एरिया है। यहाँ पर साइड टायर लेफ्ट हैंड साइड लॉबी है रेलवे की, और सब मास्क लगा के घूम रहे हैं। जिम में चलते हैं, दिखाते हैं आपको जिम में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। ये मेरे राइट हैंड साइड है रेस्ट रूम इटारसी का रेलवे। ये है सामने रनिंग रूम स्टेशन का, और रनिंग रूम से राइट लेते हुए अपन चलते हैं जिम की तरफ। बैक साइड की एंट्री है और सीधे चलते हुए अपन चलते हैं हाईवे से टच होके फिर जिम अपने। और इटारसी का मेन रेलवे ग्राउंड है, सीनियर इंस्टीट्यूट ये राइट हैंड साइड है मेरे। और ये आ गए अपन मेन हाईवे पर, और हाईवे पे भी अभी कुछ ज़्यादा भीड़ दिख नहीं रही है, लोग घर में हैं। फर्स्ट डे है तो आज जिम ओपनिंग का देखते हैं कौन कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है। पूरे दोस्त आ रहे हैं, बस जिम पहुंचने वाले हैं कुछ तो 500 मीटर 800 मीटर करीबन दूर है मेरे हिसाब से। कहीं भी बाहर निकलो बिना मास्क के मत निकलना जिम। मैं भी जा रहा हूँ मास्क पहन कर। यही रोड है जिसपे से मैं इंडियन ऑयल से होते हुए साइकिलिंग करते हुए रिवर्स आता था, राइट साइड पे ये रोड दिख रही है। इंडियन ऑयल यहीं से पड़ता है, स्टोरेज टैंक इसका करीबन 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर से ऊपर साइकिलिंग हो जा रही थी मेरी यहाँ से, और दूसरे रूट पे 15 किलोमीटर। और ट्रक भी चल रहे हैं साइड देते भाई। फाइनली 5-10 मिनट की राइड करके हम पहुँच गए जिम। यहाँ लगाते हैं पार्किंग, और पार्किंग लगा के चलते हैं जिम में। ये अन्य फिटनेस क्लब आ गए हैं, चलते हैं ऊपर। जिम के अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं है, एक दो ट्रेनर और बस पर्सनल ट्रेनिंग वाले लोग हैं। फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करके मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया बाइसेप्स कल से। बाइसेप्स मैंने कहा पूरा बॉडी वर्कआउट करेंगे अपन। हर बॉडी पार्ट के एक्सरसाइज की दो दो सेट करेंगे। केवल कर लगा रहे हैं, ये हमारा हर्ष भाई बाइसेप्स कर लगाते हुए। और मेरे भी फ्लेक्स अच्छे दिखने लगे हैं, बाइसेप्स थोड़े थोड़े पंप हो गए हैं। आधा वर्कआउट कंप्लीट हो गया, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया जाता, वर्कआउट करने लगा था इस चक्कर में। लेग और साइड एक साथ कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम ना लगे इस चक्कर में। मेरा लेग का और साइड का सेट कंप्लीट हो गया, बाहर से लगा रहा है लेग और साइड। बैक की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, बस लोअर बैक के लिए एक्सरसाइज बची थी तो यहाँ कर रहा हूँ, बाकी शूट नहीं करा मैंने भी। जिम करके सक्सेसफुल आ गए, अब चलते हैं घर पार्किंग में।
बाइक ऑन करते हैं, चलते हैं घर। अब प्रॉपर एक घंटे का वर्कआउट हो गया है। दोनों भाई ये दोस्त हम नहीं छोड़ेंगे, दिखाया जा रहे हैं बिल्कुल एक से एक मिल के। और अब थोड़ी भीड़ दिखने लगी है मार्केट में भी। एक दो दिन में फुल फॉर्म में आ जाऊँ मैं अपनी पूरी, जिस प्रकार से मैं वर्कआउट पहले करता था। बाहर निकले मौसम बहुत प्यारा होगा, इतना ठंडा बारिश भी नहीं होता। और आज जिम में एक्सरसाइज बहुत सारी करी है, फुल बॉडी वर्कआउट जैसे लेग प्रेस, लेग कर्ल, लंचेस वगैरह, हर एक्सरसाइज कम्प्लीटली फुल बॉडी वर्कआउट करा है। दो दो सेट हर एक्सरसाइज का। और फिर उसी जगह जिस रोड से मैं गया था, रेलवे स्टेशन के बैक साइड में आ गया हूँ मेन ही रोड पर। मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि कभी लॉन्ग राइड पर भी निकलने का भी मन कर रहा है मौसम को देखकर। मौसम को देखकर कॉलेज लॉन्ग राइड करने का मन हो रहा है जैसे भोपाल। अभी मुझे जाना भी है कॉलेज, जाना डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट्स उठाना है, अपना टीसी लेना है। तो लॉन्ग राइड भी हो जाएगी और मौसम का मज़ा भी ले लिया जाए। वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। क्यों हैं? मैं आऊँ पिटाई लगाऊंगा, पिटाई इधर आओ, जल्दी आओ। रोटी खा ली कि फेंकवा दी? क्यों लाते हैं तेरा नाश्ता भी? घर आ जाओ अपने, कहाँ हो तुम्हारा घर? यहीं रह रहे अब हैं? गुली 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 ये बताओ हैं? उसको प्यार कर लिया तेरे को गुस्सा आ रही है, पंजा मारेगी।